मैं हूँ मयूरी और मयूरी का किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहें। आज मैं आपके साथ कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। बिना व्हिपिंग क्रीम के बिल्कुल सॉफ्ट मार्केट जैसी आइसक्रीम की रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हैं हमारी ये आइसक्रीम कितनी क्रीमी और सॉफ्ट बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम इसकी रेसिपी। तो कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में आधा लीटर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। ये दूध हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर ये 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो ये गर्म किया हुआ दूध हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। आप गर्म दूध ही लीजिएगा, ठंडा दूध लोगे तो कस्टर्ड पाउडर में लम्स बनने के चांस रहते हैं। तो गर्म दूध अच्छे से इस पाउडर में मिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर एक भी लम्स नहीं है, ये अच्छे से पूरा मिक्स हो चुका है। हमारा दूध भी यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 3/4 कप यहाँ पर शक्कर मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमको यहाँ पर शक्कर को पूरी तरह से अच्छे से मेल्ट करना है। तो हमारी यहाँ पर शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने जो ये कस्टर्ड वाला दूध रेडी किया था वो दूध हम इसमें डाल देंगे। पहले यहाँ पर इसको अच्छे से हिला देंगे फिर डालेंगे, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर कस्टर्ड नीचे बैठ जाता है। तो हिलाकर ही हम इसमें मिक्स करेंगे और कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। बाउल भी इस तरह से थोड़ा साफ करते हुए इसमें डाल देंगे और कंटिन्यू हमको हिलाना है। गैस की फ्लेम को लो रखना है। अगर आप कंटिन्यू नहीं हिलाओगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, इसलिए कंटिन्यू हमको फटाफट हिलाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ये कस्टर्ड दूध में मिलने पर ये दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। अभी देखिए, बस थोड़ी देर हम इसी तरह से हिलाते रहेंगे। कुछ 1 मिनट के आसपास ही हमको इस तरह से हिलाना है। अब हम यहाँ पर गैस बंद कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमिश लग रहा है। अब हम इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो रहा होगा तो आप इसको बीच बीच में इस तरह से हिला दीजिएगा। वो ठंडा होता है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर सी मलाई जैसी जम जाती है, वो बीच में अगर आप हिलाते रहेंगे तो नहीं जमेगी। और गैस की बर्नल से हटा देंगे ताकि ये अच्छे से जल्दी ठंडा हो जाए। तो आप देखिए हमारा ये कस्टर्ड दूध कितना अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और ये ठंडा भी हो गया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। पर यहाँ पर लेंगे हम एक बाउल। बाउल में मैं यहाँ पर ये फ्रेश क्रीम ले रही हूँ। आप चाहो तो, अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल हो तो आप व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हो, बट ध्यान रहे हम जो फ्रेश क्रीम के ये ऊपर का पार्ट रहता है वो ही लेंगे, इसको शेक करके नहीं लेंगे। इसके ऊपर का यहाँ पर मैं ये जो फेट वाला पार्ट रहता है वो ले रही हूँ। हमको 1 कप इसको लेना है। ये जो दूध वाला पार्ट रहता है इसको हम निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर ये ठंडा फ्रेश क्रीम लिया है। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहो तो बीटर की सहायता से भी फेंट सकते हो या नॉर्मल ये हैंड विस्क से भी इसको विस्क कर सकते हो। तो हमको थोड़ी देर इसको अच्छे से विस्क करना है जब तक ये अच्छे से फ्लफी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको अच्छे से फेंट लिया है, अच्छे से विस्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून के आसपास ये वनीला एसेंस मिलाएंगे।
ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं मिला ना तो आप ना मिलाएं। हमने ऑलरेडी कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का ही लिया है। अब यहाँ पर हमने वनीला एसेंस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा ये जो दूध कस्टर्ड था वो इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड डालकर हमको इसको अच्छे से विस्क करना है। पूरा अच्छे से ये कस्टर्ड और हमारा क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। हमने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम की जगह फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। हम फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे फिर भी हमारे यहाँ पर ये क्रिस्टल नहीं आएंगे, आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे। ये अच्छे से हमारा अब मिक्स हो चुका है। अब हम इसको एक एयरटाइट कंटेनर में भर देंगे। अगर आपको इसमें आइसक्रीम में डार्क कलर चाहिए तो आप कलर ऐड कर सकते हो, बट हम यहाँ पर इसको नेचुरल ही रहने देंगे। हमने ऑलरेडी कस्टर्ड मिलाया है तो कस्टर्ड का इसमें कलर आ जाएगा। ये पूरी आइसक्रीम इसमें डाल दी है। अब हम यहाँ पर इसको कवर कर देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे। जब हम यहाँ पर हमारे यहाँ पर 2-3 घंटे हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारी आइसक्रीम थोड़ी सी जम गई है। हमको यहाँ पर पूरी नहीं जमानी है, थोड़ी थोड़ी ही इसको फ्रीज करनी थी। अब हम इसको एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। तो आप ये देखिए हमने यहाँ पर ये पूरी आइसक्रीम इस मिक्सी जार में निकाल ली है। अब हम इसको एक बार अच्छे से पीस लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए हमने इसको एक बार और अच्छे से यहाँ पर पीस लिया है। तो इसका टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी और फ्लफी इसका ये टेक्सचर आ चुका है। अब हम यहाँ पर ये 2 टेबल स्पून के आसपास इसमें ये टूटी फूटी मिलाऊंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको टूटी फूटी का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसमें मिलाइए। अब अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हमने जिस डिब्बे में से आइसक्रीम निकाली थी उसमें ये मिक्सचर हम वापस डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर ये पूरा मिक्सचर इसमें निकाल दिया है। अब हल्का हल्का हम इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स हो वो निकल जाए, और ऊपर से थोड़ी सी टूटी फूटी हम डाल देंगे। इस डिब्बे को हम बंद करके ओवरनाइट फ्रीजर में रख देंगे ताकि हमारी ये आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाए। तो हमने ये डिब्बा फ्रीजर से निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी ये कस्टर्ड आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम। तो इस तरह से आप ये कस्टर्ड आइसक्रीम आराम से घर पर बना सकते हो, वो भी बिना आइस क्रिस्टल के। तो इस तरह से आप बिल्कुल मार्केट जैसी कस्टर्ड आइसक्रीम घर पर बनाकर रेडी कर सकते हो। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।